डायनेमिक्स से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्स एंड एब्सिडल डिस्टेंसेस। सबसे पहले एप्स की डेफिनेशन है, एन एप्स इज ए पॉइंट ऑन ए सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू दिस पॉइंट हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सिंपल लैंग्वेज में है कि ये जो कर्व है ये हमारा सेंट्रल ऑर्बिट है, और ये कर्व किसी भी शेप का हो सकता है, इट मे बी एलिप्स, इट मे बी सर्कल, किसी भी शेप का हो सकता है। तो जो सेंटर हमारा ये पोल है, इस पोल से हम इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर हम डिस्टेंसेज मेजर करेंगे। दिस डिस्टेंस, इस कर्व पर सेंट्रल ऑर्बिट पर जो भी पॉइंट इस पोल से डिस्टेंस या तो मैक्सिमम रखे या मिनिमम रखे, तो उस पॉइंट को हम एप्स बोलते हैं, उस पॉइंट को हम एप्स बोलेंगे। जैसे मान लिया हमने ओ से ए का डिस्टेंस, मान लीजिए मैंने मान लिया 2 मीटर है, ओ से बी डिस्टेंस मान लीजिए 3 मीटर है, ओ से सी मान लीजिए 5 मीटर है। तो आप देखिए यहाँ से ओ से सी का डिस्टेंस जो है मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। इस मिनिमम से और मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो सकता इस कर्व का, और मैक्सिमम से बड़ा डिस्टेंस नहीं हो सकता। सो दीज टू पॉइंट्स आर नोन एज एप्स, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस एप्स टू द पोल इज नोन एज एप्सिडल डिस्टेंस। अब यहाँ पर वर्ड हमने लगाया एप्सिडल डिस्टेंसेज, दैट मीन्स इन ए कर्व वी हैव एट द मोस्ट 2 एप्स, क्योंकि किसी भी कर्व पर अगर डिस्टेंस लेंगे तो या तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा या वो मिनिमम होगा। तो एटमोस्ट जो है, अगर मान लीजिए ये कर्व जो है हमारा सर्कुलर शेप में है कोई, तो आप देखिएगा कि सेंटर से अगर उस सेंटर से उस कर्व का अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हर जगह कांस्टेंट आएगा, तो वही मैक्सिमम वही मिनिमम है। तो इसमें इस केस में तो इस पॉइंट से अगर हम इस कर्व का डिस्टेंस देखते हैं तो सिंगल डिस्टेंस आएगा, तो उस केस में जो है एप्स एक ही पॉइंट है और एब्सोल्यूट डिस्टेंस सिंगल होगा। लेकिन किसी भी दूसरे कर्व की अगर हम बात करते हैं तो उस पर मैक्सिमम एट द मोस्ट जो है उस पर 2 पॉइंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसका प्रूफ भी हमारे पास है, वो हम अगले किसी लेक्चर में देखेंगे। तो ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो 2 डिस्टेंसेज है, ये मिनिमम का मान लिया, ये मैक्सिमम का मान लिया, तो इन दोनों एब्सोल्यूट डिस्टेंसेज का जो रेडियस वेक्टर है, इनके बीच में जो ये एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एप्सिडल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिडल एंगल। ये अब यहां से एक चीज और क्लियर करिए कि मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर हम एक पार्टिकल इस सेंट्रल ऑर्बिट पर अगर मूव कर रहा है, तो हम मान लीजिए उसकी डायरेक्शन, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम जानते हैं कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर किसी पार्टिकल की डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो टेंजेंट के अलोंग होती है। तो रेडियस वेक्टर और इस टेंजेंट के बीच में आपको मालूम है सबको कि 90 डिग्री एंगल होता है। तो इसका मतलब क्लियर हुआ, ये टॉपिक क्लियर हुआ कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट यानी एप्सिडल डिस्टेंस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं एज ए थ्योरम। तो ये एक थ्योरम भी है, एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है, अगर हम इसका प्रूफ करना चाहें तो इसका प्रूफ सिंपल है। देखिए, हम जानते हैं कि फोर एन एप्स द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। वी नो यू इक्वल्स टू 1/r। इफ दिस r हैव मैक्सिमम वैल्यू देन यू गोट मिनिमम, बिकॉज दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ r। इफ दिस r हैव मिनिमम वैल्यू देन दिस यू हैव मैक्सिमम वैल्यू। सो वी से दैट दिस थिंग आल्सो रिटन एज यू हैव
मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम करिए और मिनिमम की जगह पर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू। और हम जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस, अगर ये यू फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर रखता है, सो डिफरेंशिएटिंग दिस यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज कांस्टेंट बिकॉज दिस आर इज कांस्टेंट, दिस आर डजंट डिपेंड ऑन थीटा, सो द डेरिवेटिव इज जीरो। सो फॉर एनी कर्व द पेडल इक्वेशन में बी रिटन एज 1/p² इक्वल्स टू u² प्लस du/d थीटा होल स्क्वेयर। ये इक्वेशन है जिसमें p जो है, दिस p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व। सो पुट du/d थीटा इक्वल्स टू जीरो, सो वी गेट 1/p² इक्वल्स टू u², u को वापस पुट करो 1/r, तो 1/p² इक्वल्स टू 1/r² क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, स्क्वेयर रूट लीजिए, तो p इक्वल्स टू r। बट वी नो p इक्वल्स टू r साइन phi, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p हेयर, सो r साइन phi इक्वल्स टू r कैंसिल आउट कीजिए, साइन phi इक्वल्स टू 1, साइन phi इक्वल्स टू 1 मीन्स phi इक्वल्स टू 90 डिग्री, पाई बाय 2 और 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इस थ्योरम का, ठीक है, कि वो परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर। ये फाई जो है, ये एंगल है फाई दिस, तो 90 डिग्री। ये थ्योरम इस तरह से प्रूफ है। और अगर हम किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें, यहाँ से सेंटर से जो फोर्स लगी हुई है उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में अगर ये सेंट्रल फोर्स गिवन हो और हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, कर्व के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v² इक्वल्स टू -2 इंटीग्रल ऑफ f dr प्लस c। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने का किसी भी पॉइंट पर। एक वेलोसिटी में ही नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। पहले मीनिंग समझिए इसका, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी में अगर हम लिखना चाहें तो पहले हम लिखेंगे साइंटिफिक वे में, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स द वेलोसिटी दैट it would acquire if it is moved from rest at infinity to that point called velocity from infinity। और इसका सिंपल फॉर्मूला है बेसिकली 1/2 v² इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ए f इंटू डी आर। इस टॉपिक पर बेस्ड अब हमारा एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए विद द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। इस पर ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी ये फॉर्मूला यूज होना है।
अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल एक्सेलेरेशन दैट मीन्स सेंट्रल फोर्स म्यू अपॉन आर टू एन प्लस थ्री देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस कर्व और द इक्वेशन ऑफ दैट पाथ इज आर रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एन कोस एन थीटा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एक्सेलेरेशन जो हमें एफ दी हुई है एफ इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर रेज टू द पावर टू एन प्लस थ्री, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो म्यू वन अपॉन आर को बिकॉज यू इक्वल्स टू वन अपॉन आर कन्वर्ट दिस इंटू यू वी गॉट यू टू एन प्लस थ्री। सो लेट वी बी द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ट्वाइस नेगेटिव साइन के साथ इंटीग्रल इन्फिनिटी टू ए, ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है म्यू अपॉन आर रेज टू द पावर टू एन प्लस थ्री इंटू डी आर, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ डी आर है तो हमें कन्वर्ट करने से पहले जो आर में सेंट्रल एक्सेलेरेशन गिवन थी वो वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है। अब हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो माइनस टू नेगेटिव डी आर, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, इसमें इंटीग्रेशन करना है आर रेज टू पावर दिस प्लस वन डिवाइडेड बाय दिस पावर प्लस वन और उसके बाद लिमिट हम पुट करेंगे। सो वी गेट दिस वैल्यू और इसमें हम लिमिट इन्फिनिटी टू ए पुट करेंगे। इस स्टेप के बाद वी स्क्वेयर की वैल्यू ये है, अब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये स्टेप्स करके दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम है एक, माइनस टू म्यू ए रेज टू द पावर माइनस टू एन माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू एन कॉमन ले लीजिए माइनस टू एन प्लस टू माइनस ए वैल्यू हमने पुट किया उसके बाद नेगेटिव के साथ लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो इन्फिनिटी रेज टू द पावर माइनस टू एन माइनस टू डिवाइडेड बाय दिस वन, दिस पार्ट इज होल पार्ट इज नेगेटिव नेगेटिव, सो वी नो इन्फिनिटी रेज टू द पावर नेगेटिव इक्वल्स टू जीरो इन्फिनिटी रेज टू द पावर पॉजिटिव इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सो वी गेट दिस होल वैल्यू इज जीरो, सो वी गेट वी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस टू म्यू ए रेज टू द पावर माइनस टू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ टू कॉमन ले लीजिए, सो एन प्लस वन माइनस टू से कैंसिल करिए, सो म्यू अपॉन एन प्लस वन ए रेज टू द पावर माइनस ऑफ टू एन प्लस टू, सो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन एन प्लस वन, इस पावर को नीचे लेके आइए वन अपॉन ए रेज टू द पावर टू इंटू एन प्लस वन, नाउ टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड यहाँ से टू हटा के स्क्वेयर रूट करिए, सो ये टू कैंसिल होगा, सो वी गेट रूट ऑफ म्यू अपॉन एन प्लस वन इंटू वन अपॉन ए रेज टू द पावर एन प्लस वन। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज एच स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इक्वल्स टू एफ अपॉन यू स्क्वेयर, एफ की वैल्यू यहाँ पुट करो, अब की बार एफ की वैल्यू जो है यू की फॉर्म में जो हमने अभी निकाली थी वो पुट करनी है, सो वी गेट म्यू यू टू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर, तो दो पावर यहाँ से आप कैंसिल आउट कीजिए म्यू इंटू यू रेज टू द पावर टू एन प्लस वन, मल्टीप्लाइंग
both side by 2du upon d theta एंड इंटीग्रेटिंग इट। ये स्टेप समझने का है कि हमने यही क्वांटिटी क्यों मल्टीप्लाई की इससे, उसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ही ये क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर। फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन रेज टू द पावर एन इंटू में डेरिवेटिव। सो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा फंक्शन रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ये क्वांटिटी जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, तो हमें इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई इंटीग्रेट करेंगे सो वी गेट वी स्क्वेयर इक्वल्स टू एच स्क्वेयर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर, दिस इज इक्वल्स टू टू म्यू यू रेज टू द पावर टू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू एन प्लस टू प्लस सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन। नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी वी नीड टू यूज एनी इनिशियल कंडीशन। सो इनिशियली एट एन एप्स यू इक्वल्स टू वन अपॉन आर, आर की जगह पर ए पुट कीजिए। सो डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ये वैल्यू पुट जैसे हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में सो वी गेट वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कैपिटल वी, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि इनिशियल कंडीशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी है। सो दिस इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन एन प्लस वन ए रेज टू द पावर टू एन प्लस टू। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट सी इक्वल्स टू जीरो। तो एच स्क्वेयर हमारे पास आएगा एच स्क्वेयर इक्वल्स टू म्यू अपॉन एन प्लस वन इंटू ए रेज टू द पावर टू एन। नाउ पुटिंग द values of h square and c in equation number 1, we get mu upon n plus 1 a to n into du upon d theta whole square plus u square equals to mu u to n प्लस टू अपॉन एन प्लस वन। सो दिस इम्प्लाइज डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालिए, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू स्क्वेयर की तरह ला के माइनस यू स्क्वेयर करके, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर टू एन यू टू एन प्लस टू, लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू। नाउ पुट u equals to 1 upon r so that du upon d theta is equals to, so minus 1 upon r square derivative r raised to the power minus 1 upar le jaake derivative hoga this into dr upon d theta। using these values in equation 2 we get, और इक्वेशन टू में ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपल आपको डी आर अपॉन डी थीटा निकालना है कैलकुलेटर। जैसे डी यू अपॉन डी थीटा की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यू की जगह वन अपॉन आर पुट कीजिए यहाँ वन अपॉन आर, और सोल्व करके पूरा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए टू एन माइनस आर टू एन डिवाइडेड बाय r raised to the power n minus 1. Now separate the variable, we get minus r n minus 1 divided by under root of a to n minus r to n dr equals to d theta, let it be equation 3। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने लायक है,
कि दोनों साइन में से हमने नेगेटिव साइन लेना है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा, वहाँ पर जो हमें पाथ जो प्रूव करना है वो कोस की फॉर्म में प्रूव करना है, तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मालूम है कि कोस के इंटीग्रेशन में ही हम जो है आर अपॉन दिस फॉर्मूला गिव्स अस कोस विद नेगेटिव साइन, इसलिए हम नेगेटिव साइन लेंगे. नाउ पुट आर रेज टू द पावर एन इक्वल्स टू टी एंड डेरिवेटिव दिस एन आर एन माइनस वन डी आर इक्वल्स टू डी टी. सो वी कन्वर्ट दिस पार्ट by using this substitution into this part become minus dt upon under the root a to n minus t square equals to n d theta. Now integrating it, integrate जब हम करेंगे तो this become cos inverse t upon a raised to the power n इज इक्वल्स टू एन थीटा प्लस दिस इज ए कॉन्स्टेंट, इंडिकेटिंग कॉन्स्टेंट, इसको आप सी वन मान लीजिए, ए मान लीजिए, कुछ भी आप नाम दे दीजिएगा सी वन, बिकॉज सी हम यूज कर चुके हैं. सो नाउ रिप्लेसिंग दिस एज टी को हमने यहाँ आर एन पुट किया है, तो आर एन अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू एन थीटा प्लस सी वन. इंडिकेटिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ भी इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे. सो इनिशियली व्हेन आर इक्वल्स टू ए थीटा इक्वल्स टू जीरो, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू जीरो, सॉरी सी वन इज इक्वल्स टू जीरो. सी वन की वैल्यू आप जब इंटीग्रेट किया है उसमें पुट कीजिए सी वन की वैल्यू जीरो, सो वी गेट कोस इनवर्स आर एन अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू एन थीटा, क्योंकि यहाँ सी वन की वैल्यू हमने जीरो पुट की है. कोस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे, आर एन अपॉन ए एन इक्वल्स टू कोस एन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर एन इक्वल्स टू ए एन कोस एन थीटा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इट.